वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन मेथड का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट कौन सा है? व्हेन पार्ट ऑफ द एसेट इज सोल्ड, बट पार्ट ऑफ द एसेट में भी एक होता है 1/3 बेच दिया, 1/4 बेच दिया, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होती है। इसमें भी पार्ट ऑफ द एसेट बेच रहे हैं बट पार्ट थोड़ा अजीब सा है। ध्यान से देखा, कॉन्सेप्ट कौन सा है? व्हेन पार्ट ऑफ द एसेट इज सोल्ड। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द असाइनमेंट, असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन डीके गोयल। ऑन 1st अप्रैल 2017 अ कंपनी परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹2,00,000। न्यू मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर ₹10,000। ऑन 1st जनवरी 2018 एंड फॉर ₹20,000 ऑन 1st अक्टूबर 2018। प्लांट वन कब खरीदा? प्लांट वन कब खरीदा हमने? 1st अप्रैल 2017। ये कौन सा ईयर है? 17-18। कितने का खरीदा? 2,00,000 का खरीदा। प्लांट टू कब खरीदा? प्लांट टू खरीदा हमने 1st जनवरी 2018। ये कब आएगा? ये भी 17-18। ध्यान से, जनवरी 2018। कितने का खरीदा? 10,000। फिर खरीदा हमने प्लांट थ्री ऑन 1st अक्टूबर 2018। ये कौन सा ईयर है? 18-19। ये कितने का खरीदा हमने? 20,000। तीन मशीन्स खरीदी हैं, प्लांट एंड मशीनरी वन ऑन 1st अप्रैल 2017, मशीनरी टू ऑन 1st जनवरी 2018 और मशीनरी थ्री ऑन 1st अक्टूबर 2018। ऑन 1st जुलाई 2019, अब आएगा असली मजा। ऑन 1st जुलाई 2019 मशीनरी हुज बुक वैल्यू हैड बीन 30,000 ऑन 1st अप्रैल 2017। 1st अप्रैल 2017 को आपने 2,00,000 की मशीन्स खरीदी थी, उसमें से एक पार्ट जो 30,000 का खरीदा था वो 1st जुलाई 2019 को आप बेच रहे हो। वाज सोल्ड फॉर 16,000 एंड द एंटायर अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। वो हम वैसे भी प्लांट एंड मशीनरी में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, जितने का भी बेचा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पॉइंट क्या है? एक पार्ट बेचा, 2,00,000 में से एक पार्ट बेचा, वो पार्ट आपने कितने का खरीदा था? 30,000 का खरीदा था। कॉन्सेप्ट वही है। मेथड क्या है? 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। शो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द पीरियड 1st अप्रैल 2017 टू 31st मार्च 2020। कॉन्सेप्ट, पार्ट ऑफ द एसेट इज सोल्ड। मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा, एक स्प्लिट करके और एक कंसोलिडेटेड। दोनों मेथड स्कूल लेवल पे इक्वली करेक्ट है। इवेंचुअली जो एडवाइजेबल है वो कंसोलिडेटेड मेथड एडवाइजेबल है, लाइफ में वही यूज होगा आगे जाके। बट मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा कि अगर स्टार्टिंग से एसेट को स्प्लिट कर दें तो क्या होगा, एक पूरा एसेट दिखाएं और बाद में हम वर्किंग करके दिखाएं तो क्या होगा। सेल कब हुई है? 1st जुलाई 2019, सेल ऑफ प्लांट। अब आपने जो प्लांट बेचा वो एक तरह से क्या बेचा? 3/20। 2,00,000 में से 30,000 क्या होता है? 3/20, तो 1/3 की जैसे कैलकुलेशन थी, 1/4 की जैसे कैलकुलेशन थी, वैसे ही आप 3/20 प्लांट वन कब बेचा? 1st जुलाई 2019। ये कब आता है? 1920 में। कितने का बेचा? 16,000। तो ये तो 1920 की कहानी है। कहानी शुरू कब से हो रही है? 1718 से। तो पहले 1718, 1819, फिर 1920 पे सेल हुई। तो स्टार्ट करते हैं 1718 से। 1718 1st अप्रैल 2017 को हमने 2,00,000 का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द असाइनमेंट, एसेट का नाम क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। कितने का खरीदा? ध्यान से देखना। पहला ईयर कौन सा है? 2017-18।
2017-18 April 1. 2 बैंक अकाउंट। अब क्योंकि हमें पता है कि उसका एक पार्ट बेचेंगे तो मैं स्प्लिट करके दिखा रहा हूं। ऑप्शन 1 2 बैंक अकाउंट क्या खरीदा, प्लांट 1, अभी जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं ये एक ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन से करके दिखाऊंगा। तो एक हो गया आपका 3/20, या मैं इसी को स्प्लिट कर रहा हूं तो यहां पे लिखूंगा मैं P1 30,000, P2 1,70,000, स्प्लिट कर दिया मैंने दो पार्ट्स में। टोटल आपका प्लान कितने का है, 2,00,000 का, ठीक है। अगर पार्ट ऑफ द एसेट बेच रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि हम स्प्लिट करके दिखा दें। सेकंड प्लांट कब खरीदा आपने, 1 January 2018, वो भी 17-18 में आता है, वो 10,000 का खरीदा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आ जाएगा January 1। 2 बैंक अकाउंट क्या खरीदा, 3rd प्लांट, क्योंकि मैंने पहले वाले को दो में स्प्लिट कर दिया था, 10,000 का खरीदा। 17-18 में और कुछ नहीं हुआ, वेरीफाई कर लेते हैं, 17-18 में और कुछ नहीं हुआ। अब 18-19 में जाके हमने 3rd प्लांट खरीदा है तो 17-18 को क्लोज करते हैं। तो 17-18 इस साल के डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट, एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाता है, March 31st बाय डेप्रिसिएशन। स्प्लिट क्या हुआ हमने, तो P1 की क्या हो जाएगी, 30,000 की 10%, P2 की क्या हो जाएगी, 1,70,000 का 10%, P3 की क्या हो जाएगी, P3 की हो जाएगी 10,000 का 10% फॉर 3 months, जनवरी फरवरी मार्च, ये ध्यान देने वाली बात होती है। तो 30,000 का 10% 3,000, 1,70,000 का 10% 17,000, और थर्ड मशीनरी 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का 3/12 मतलब 1/4 250 आ जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 20,250। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे, ध्यान से देखना, March 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन। P1 आपने 30,000 का खरीदा था, इस साल के डेप्रिसिएशन 3,000, क्लोजिंग बैलेंस 27,000, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बस आपको तरीका दिखा रहा हूँ कि कैलकुलेट कैसे किया। 1,70,000 -17,000 1,53,000 P3 प्लांट 3 था 10,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन 250 9,750 नीट रहेगा, एक लाइन और इंसर्ट कर लेते हैं। टोटल मशीनरी अभी तक मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी कितना पड़ा हुआ है, 1,89,750 डेबिट्स 2,10,000 क्रेडिट्स का भी टोटल चेक कर लेते हैं, क्रेडिट्स का टोटल है 2,10,000 डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं। ईयर 17-18, अब जब नेक्स्ट ईयर क्या है 18-19, तो 18-19 जब स्टार्ट होगा, April 1, 2 बैलेंस BD, P1, P2, P3, P1 कितने का 27, P2 1,53,000, P3 9,750, टोटल एसेट 1,89,750। अब 18-19 कंटिन्यू करेंगे। 19, अब आपने नेक्स्ट एसेट कब खरीदा, 18-19 में, 18-19 के 1st अक्टूबर को प्लांट 3 खरीदा 20,000 का, October 1। ओके, October 1, 2 बैंक अकाउंट। अब
एक तरह से हमने क्योंकि स्प्लिट कर दिया तो हमारे हो गया प्लांट फोर, कितने का खरीदा 20,000 का, अक्टूबर 1, अक्टूबर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स के लिए वो यूज होगा उस ईयर में, 1819 मार्च 31st, बाय डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड है, बी केयरफुल, P1 30,000 का 10%, 3,000, ध्यान से देखना, अब लिखने की भी मतलब कैलकुलेशन तो डायरेक्ट है, T2 17,000, ठीक है, 1,70,000 का 10%, P3 आपने कितने खरीदा था लास्ट ईयर, 10,000, तो उसका 1,000 स्ट्रेट लाइन मेथड है, P4 दिखाना चाहिए क्योंकि वो इस साल खरीदा है और साल के बीच में खरीदा है, तो 20,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, 20,000 का 10% होता है 2,000, 2,000 का हाफ हो जाएगा 1,000, ओके। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं, मार्च 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन, P1 का क्लोजिंग बैलेंस 27,000 माइनस 3,000 24,000, हम डायरेक्टली 24,000 भी दिखा सकते हैं, P2 का बैलेंस 1,53,000 माइनस 17,000, ठीक है, 133, 136, 136, 143, 153, ठीक है, P3 का बैलेंस 9,750 माइनस 1,000, 8,750, P4 का बैलेंस, P4 हमने 20,000 का खरीदा इस साल, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 1,000 का, क्लोजिंग बैलेंस 19,000, टोटल आपके प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस आ रहा है 1,87,750, 1819, सेकेंड ईयर भी हो गया, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं बैलेंस, ईयर 1920 में, 2019-20, तो जब साल शुरू हुआ अप्रैल 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, P1, P2, P3, P4, P1 का बैलेंस 24,000, P2 का बैलेंस 1,36,000, P3 का बैलेंस 8,750, P4 का बैलेंस 19,000, टोटल मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी वेरीफाई कर लेंगे, 1,87,750, ये हो गया सेकेंड ईयर का क्लोजर, थर्ड ईयर जब स्टार्ट हुआ तो हमारे पास 1,87,750 का मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी पड़े हुए 1920, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर क्योंकि इस साल हम एसेट बेच रहे हैं, क्योंकि हम पहले से ही स्प्लिट करके बैठे हैं तो हमारे लिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, एक हमने एसेट पहले से ही अलग किया हुआ है, उस एसेट को हम सेल करके दिखा देंगे, बट एसेट बेच कब रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 का मतलब होता है अप्रैल मई जून, 3 महीने आपने एसेट और यूज करा, उसके बाद आपने एसेट को बेचा, कौन सा, जो हमने 30,000 का स्प्लिट किया हुआ है उसके बाद हो रही है, P1 की 1 जुलाई, तो पहले जुलाई 1 तक की एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या एंट्री हो जाएगी, बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितनी, P1 की, ध्यान से देखना, 30,000 स्ट्रेट लाइन मेथड, 30,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स, तो 30,000 का 10% 3,000, 3,000 इंटू 3/12 कैलकुलेशन करेंगे 750 आ जाएगा, डायरेक्टली बाहर दिखा सकते हैं एक ही एसेट है, 30,000 पूरा एसेट है जो बेच रहे हैं, 10% उसकी डेप्रिसिएशन साल की होती है क्योंकि वो जुलाई को बेच रहे हैं, तो अप्रैल तक का तो बैलेंस मेरे पास है, मई जून अप्रैल मई 31 मार्च तक, मतलब 1 अप्रैल का बैलेंस है, अप्रैल मई जून 3 महीने के एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालती, 3,000 का 10% 3,000, 30,000 का 10% 3,000, 3,000 इंटू 3/12 1/4 आ गया 750, आपने कितने का बेचा, बाय बैंक अकाउंट आपने बेचा 16,000 का, आपने बेचा 16,000 का,
अब वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यस 16,000 का ही बेचा, तो वर्किंग नोट क्या बनता है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ध्यान से देखना एक सेकंड, तो दूसरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन यहाँ पे आ रही है, एक सेकंड ध्यान से देखना प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा। क्या कंपेयर करेंगे? बुक वैल्यू और सेल वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू ऑन 1st July 2019 जब साल शुरू हुआ तो एसेट कितने का था? 24,000, एडिशनल डेप्रिसिएशन 750। जब साल शुरू हुआ तो एसेट था 24,000 का, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी लगी? 750, तो बैलेंस था 23,250 बुक वैल्यू। सेल वैल्यू आपने कितने का बेचा? आपने बेचा 16,000 का, थोड़ा सा नुकसान हो गया। तो लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? लॉस कैलकुलेट होता है बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। तो 23,250 में से माइनस करा तो आ गया आपका 7,250। 7,250 आपका लॉस हो गया। तो कैसे दिखा देंगे? ध्यान से देखना, जुलाई 1 सेम डे पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस आया? 7,250। कैलकुलेशन डन, वेरीफाई करेंगे, टोटल 24,000 आ रहा है। क्लोज हो चुका है, बाकी तो नॉर्मल सी चीज है। March 31st बाय डेप्रिसिएशन जो एसेट बच गया P2, P3, P4, इस साल तो हमने कोई नया खरीदा नहीं, 1,70,000 वाला पहले पड़ा हुआ था 17,000 उसके डेप्रिसिएशन। P3 आपने कितने का खरीदा था? P3 खरीदा था आपने 10,000 का, उसके डेप्रिसिएशन 1,000, ठीक है। P4 कितने खरीदा था? 20,000 का लास्ट ईयर खरीदा था, इस साल तो पूरे साल यूज हुआ होगा 2,000 उसके डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 20,000 टोटल डेप्रिसिएशन हो गई। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, एक सेकेंड, क्लोज कर देंगे एसेट अकाउंट March 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्या क्या है आपके पास? P1 तो जा चुका है, P2, P3, P4। P2 जब साल शुरू हुआ तो P2 था 1,36,000 का, 1,36,000 का था, इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लग गई उस पर? 17,000 इस साल डेप्रिसिएशन लग गई, तो बैलेंस आ गया 1,19,000, ठीक है। P3 8,750 माइनस 1,000 7,750। P4 19,000 माइनस 2,000 17,000। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकल रहा है इसमें, किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलेंगे ठीक है, तो वो वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दिखाता हूँ क्लोजिंग बैलेंस निकाल कैसे रहे हैं। डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन करके दिखानी चाहिए, जब वो रिपीट हो रहा है तो हम डायरेक्टली अमाउंट लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन में जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, अगर आप ध्यान से करो तो डेप्रिसिएशन मुश्किल नहीं होता, वो बस धीरे धीरे वो क्वेश्चन को लेंदी करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन में कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से करेंगे तो वो जो मर्जी क्वेश्चन दे दें वो आपका गलत नहीं हो सकता। 1920 क्लोज हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या होता है? 2021 April 1, बस बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके दिखा देना चाहिए, ऑप्शनल होता है। अगर आपके स्कूल में दिखा रहे हैं तो दिखाओ, नहीं दिखा रहे तो मत दिखाओ, ऑप्शनल होता है। P2 का बैलेंस 1,19,000 कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, ठीक है, टोटल 143,750। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्प्लिट करके करते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है करना, बट ध्यान रखना बेटा रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि 17-18 में जो आपने 2,00,000 की मशीन खरीदी है, 2 साल के बाद ना इसका एक पार्ट मैं बेच दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है तो पहले से ही अलग दिखाता हूँ, ऐसा नहीं होता। बट स्कूल लेवल पे अलाउड है तो अलाउड है, काम आसान है तो पैसे करेंगे, बट मैं आपको Option 2 भी करके दिखाऊंगा। अब सेम क्वेश्चन
सेम क्वेश्चन मैं आपको ऑप्शन टू से करके दिखाता हूं कि अगर मैं एसेट को स्प्लिट करके ना दिखाऊं तो क्या होगा, ध्यान से देखना। सेम क्वेश्चन ऑप्शन टू से, जब मैं एसेट को स्प्लिट करके नहीं दिखा रहा, तो जीरो से शुरू करते हैं, एक सेकंड लगेगा, बस मैं क्लियर कर देता हूं जो हमने कैलकुलेशन करी। चलो, जो चेंज आएगा वो तो फर्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। मैं आपको जो चेंज है वो करके दिखाता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको ये पता चले कि बाकी सारा क्वेश्चन तो एज इट इज होगा, जो चेंज है वो फर्स्ट मशीनरी में आ जाएगा। मैं जो P1 P2 स्प्लिट किया ना, उसको मैं सारा डिलीट कर रहा हूँ और जीरो से क्वेश्चन शुरू करूंगा विद रिगार्ड टू P1 एंड P2, ठीक है। P1 P2 P1 P2 P1 P2, जहां जहां आया वो मैं हटा रहा, ठीक है। जहां जहां P1 P2 आया मैंने हटा दिया, क्योंकि बाकियों में तो कोई चेंज नहीं है, तो वो पार्ट डिस्कस करते हैं ना जो डिफरेंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब अगर मैं एसेट को पूरा एज इट इज दिखाऊं तो क्या होगा, तो कैलकुलेशन करनी होगी। क्या कैलकुलेशन करनी होगी वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन जब एसेट खरीदा तो क्या दिखाएंगे हम यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट P1। प्लांट वन आपने कितने का खरीदा, प्लांट वन आपने खरीदा 2 लाख रुपीज का। जब खरीदा तो थोड़ी ना आपको पता था कि कितने का बिकेगा वो और क्या उसका पार्ट बिकेगा, तो आपने पूरा एसेट दिखाया। P1 कितने का दिखाया, 2 लाख आपने पूरा का पूरा दिखाया, आपने वो एसेट यूज करा, तो एसेट की डेप्रिसिएशन, सिंगल एसेट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी बाय डेप्रिसिएशन। P1 कितने का है, 2 लाख, 2 लाख का 10% पूरे साल का 20,000। दूसरा एसेट कौन सा हो गया, P2 तो 10,000 का आपने 1 जनवरी को खरीदा था, उससे P1 का कोई लेना देना नहीं है, बट अब वो क्या हो जाएगा, P2। तो फर्क क्या है, पहले हमने उसको स्प्लिट कर दिया था, 30,000 को अलग, 1,70,000 को अलग, तो 3,000 अलग दिखा रहे थे, 17,000 अलग दिखा रहे थे, अब हम एक साथ दिखा रहे हैं 20,000, टोटल डेप्रिसिएशन तो वही है। अब जब क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो दो ही एसेट है, P1 और P2। P1 का बैलेंस कितना आएगा, P1 का बैलेंस आएगा 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000। P2 जो आपने 10,000 का खरीदा, उसका बैलेंस आ जाएगा 9,750। कितना बैलेंस आ रहा है, 189,750। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं, 189,750। पहले एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्या था, 189,750। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, 189,750। तो अब P1 का बैलेंस आपका क्या है, P1 का बैलेंस आपका है 1,80,000। ध्यान से देखना, तो सेकेंड ईयर जब स्टार्ट हुआ तो P1 कितने का है, 1,80,000, और P2 कितने का है, 9,750। P2 दो है आपके पास एसेट्स, ठीक है, इनकी टोटल वैल्यू क्या है, 189,750। अब इस साल क्या हुआ, इस साल हमने अक्टूबर में एक एसेट खरीदा, उस एसेट का नाम कर देंगे हम P3, ठीक है, 20,000 का खरीदा, कोई एसेट सेल नहीं हुआ और कोई एसेट खरीदा नहीं। अब जब डेप्रिसिएशन की बारी आई तो P1 2 लाख वाला एसेट है, तो ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख का 10% कितना आया, 20,000। P2 10,000 वाला एसेट था, तो P2 कितना आया, 10,000 का 10%, 1,000। P3 आपने इस साल खरीदा,
तो P3 कितना आ गया, 20,000 का 10% फॉर 6 months, उसके भी 1,000, टोटल डेप्रिसिएशन 22,000। पहले क्या था, पहले था P1 जो 30,000 वाला पोर्शन वो अलग, P2 170,000 वाला पोर्शन अलग, P3 अलग, P4 अलग, तब भी टोटल डेप्रिसिएशन 22 ही थी। तो पॉइंट ये समझाने की कोशिश करो कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होता, उस केस में हम स्प्लिट करके दिखा रहे थे। तो अब अगर हम एक साथ ही दिखा रहे हैं, तो P1 का जब साल स्टार्ट हुआ तो बैलेंस था 1,80,000 माइनस इस साल के डेप्रिसिएशन 20,000, कितना हो गया 1,60,000। P2 जब साल शुरू हुआ 9,750 माइनस इस साल के डेप्रिसिएशन 1,000, 8,750। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आया 1,87,750। पहले कितना था, 1,87,750, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस उसमें हम मर्ज करके नहीं दिखा रहे, स्प्लिट करके दिखा रहे हैं, इसमें हम मर्ज करके दिखा रहे हैं। अब ध्यान से देखना, यहां दिमाग लगेगा, कैलकुलेशन 2019-20 जब शुरू हुआ तो आपके पास P1 था 1,60,000 का, P2 का एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं P2। P2 कितने का था, P2 था 8,750 और P3 19,000। अब ध्यान से देखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि जब ईयर ऑफ सेल आया तो 1 अप्रैल को आपके पास प्लांट था, उसकी बुक वैल्यू थी 1,60,000। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, टोटल एसेट कितने का था, टोटल एसेट था 2 लाख का, उसमें से जो आप बेच रहे हो 2 लाख उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, 2 लाख क्या है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। तो सोल्ड 30,000, रिमेनिंग 1,70,000, ये हो गया ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू क्या है, 1,60,000, 1,60,000। ध्यान से देखना, उसकी बुक वैल्यू है 1,60,000, बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019, वेरीफाई करेंगे 19 ही है, 1 अप्रैल 2019 उसकी वैल्यू है 1,60,000। अब अगर 2 लाख की वैल्यू आज की डेट में 1,60,000 है तो 30,000 की कितनी होगी। अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला पार्ट है, आप क्या बेच रहे हो, 3/20th पार्ट बेच रहे हो। ध्यान से देखना, ये है ट्रिकी पॉइंट, सोल्ड रिमेनिंग 1,60,000 में से आप 3/20th पार्ट बेच रहे हो, 2 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से एक पार्ट बेच रहे हो जो आपने 30,000 का खरीदा। तो अगर मैं बेसिकली यूनिटरी मेथड पे आऊं तो ओरिजिनल कॉस्ट और बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019, 2 लाख का जो एसेट था उसकी वैल्यू आज की डेट में 1,60,000 है, तो जो एसेट 30,000 का आपने खरीदा था उसकी वैल्यू आज की डेट में क्या होगी, 30,000 इंटू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, बेसिक यूनिटरी मेथड की 2 लाख का एसेट खरीदा था तो उसकी वैल्यू आज की डेट में 160 है, तो उसमें से जो एक पार्ट 30,000 का खरीदा था उसकी वैल्यू क्या है, 30,000 इंटू 1,60,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये हो क्या रहा है, ये एक तरह से 1,60,000 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख ही तो हो रहा है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख 3/20th पार्ट ही तो हो गया, तो हम डायरेक्टली 1,60,000 इंटू 3/20 भी कर सकते हैं।
तो वो उसका लॉजिक आपको समझाया क्यों, क्यों हम 3/20th पार्ट बेच रहे हैं। तो सोल्ड 3/20th वैल्यू निकाल लेते हैं, 8, 8 3 24,000 वो वाला जो पार्ट था वो आपने बेच दिया, उसकी वैल्यू बच गई कितनी। अब एक तो ये कैलकुलेशन 1,60,000 इंटू 17/20th पोर्शन बच गया, और 160 - 24 1,36,000 बच गया। अगर आप कंसोलिडेट करके दिखा रहे हो तो आपको ये वर्किंग नोट बनाना आना चाहिए। अब मैं आपको ये कंपेयर करके दिखाता हूँ कि हमने जब अलग करा हुआ था, स्प्लिट किया हुआ था, तो यहाँ पे 27,000 और 1,53,000 हमारे पास ऑलरेडी आ रहा था। एक सेकेंड तो क्या वैल्यू आई स्प्लिट करके, 30,000 ये अपना बुक वैल्यू, 24,000 और 136,000 जब हम स्प्लिट करके दिखा रहे थे, तो 1 अप्रैल 2019 को P1 जो स्प्लिट किया हुआ था उसकी बुक वैल्यू क्या थी, 24, और P2 जो 17/20th पार्ट था उसकी थी 1,36,000। तो अगर आप स्प्लिट करके कर रहे थे तो आप स्टार्टिंग से ही स्प्लिट करके कर रहे थे, इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पे पहले से उसकी बुक वैल्यू क्या आ रही थी, 24,000 और 1,36,000। लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड कर रहे हो तो आपकी वैल्यू आ रही थी 1,60,000 P1 की। तो आपने स्प्लिट करके देखा कि जो 2,00,000 का एसेट खरीदा था उसकी वैल्यू आज की डेट में 1,60,000 है, तो जो आपने 30,000 का खरीदा होगा उसकी वैल्यू आज की डेट में क्या होगी। तो बेसिकली आप 3/20th पोर्शन की वैल्यू निकाल रहे हो। तो वो कैलकुलेट करा हमने तो उसकी वैल्यू आई आज की डेट में 24,000 और बाकी की आई 1,36,000। तो जब आप बेच रहे हो तो आप वो पोर्शन बेच रहे हो जिसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को 24,000 है। वो आप कब बेच रहे हो, वो आप बेच रहे हो July 1 को। तो पहले तब तक की डेप्रिसिएशन आएगी, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे डेप्रिसिएशन जो आएगी कितनी आएगी, 30,000 ओरिजिनल कॉस्ट, 30,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 30,000 का 10% 3,000 और 3,000 का 3/12 1/4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 750। ओके, कैलकुलेशन सेम है, ध्यान से देखना, 750 डेप्रिसिएशन आ गई। कितने का बेचा आपने, 16,000 का बेचा, वो प्रॉफिट और लॉस एग्जैक्टली सेम निकलेगा जैसे आप पहले निकाल रहे थे। कैसे, 24,000 की तो वैल्यू पे हम पहुंचे हुए हैं, इस साल की एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी ध्यान से देखेंगे। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर ली 750, तो 23,250 ये क्या है, ये है बुक वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2019। कितने का बेच रहे हैं, सेल वैल्यू इज 16,000, तो लॉस अपना वही 7,250। वो सारी कैलकुलेशंस तो सेम ही आएंगे जो पहले आ रही थी, तो लॉस कितना आ जाएगा 7,250। बाकी सब एग्जैक्टली सेम है। अब आपके पास क्या बच गया, जो आपने बेचा वो आपने P1 का पोर्शन बेचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/20th P1। अब आपके पास जो बच गया वो क्या बच गया, P1 का 17/20th पोर्शन। अब उसके डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, 1,70,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है का 10% 17,000। इसीलिए जो ये वर्किंग नोट मैंने बुक वैल्यू स्प्लिट करके दिखाई ताकि आपको रिमेनिंग वैल्यू की ओरिजिनल कॉस्ट बताओ, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलनी है, और WDV भी दिखाई उसकी कि क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आपको ये बताना चाहिए अच्छा उसकी बुक वैल्यू क्या है ऑन 1 अप्रैल, वो भी दिखाया। डेप्रिसिएशन आ गई 17,000। अब ध्यान से देखना क्लोजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, P1 का 17/20th पोर्शन। तो जब साल शुरू हुआ तो उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी 1,36,000 जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करी, माइनस 17,000।
1 लाख 36,000 माइनस 17,000 तो क्या आया 1,19,000। वेरीफाई कर लेते हैं कि पहले ये हो गया P1, P2 और P3 में कोई भी चेंज नहीं है इस मेथड में। इसको भी P2 P3 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं, पहले जो हम कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे डेप्रिसिएशन 17,000 ही थी रिमेनिंग एसेट पे, और रिमेनिंग एसेट की वैल्यू जो थी 1,19,000 थी। अब क्या है, रिमेनिंग एसेट पे डेप्रिसिएशन 17,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,19,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि अगर स्प्लिट करेंगे ऑन द डेट ऑफ सेल या इन द ईयर ऑफ सेल तो वर्किंग कैसे करते हैं। पार्ट ऑफ द एसेट में हमेशा वर्किंग सेम रहेगी, आप 1/3 बेच लो, 1/4 बेच लो या 3/20 बेच लो। ये क्वेश्चन कर लिया तो आप कोई भी पार्ट बेच दो ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप 1/10 बेचो, कुछ भी बेचो, लॉजिक चेंज नहीं होता, कैलकुलेशंस चेंज होती हैं। क्लोज कर देते हैं P1 17/20 बैलेंस 1,19,000, P2 7,750, P3 17,000, 1,43,750 पहले क्या आ रहा था 1,43,750। कहीं पे प्रॉफिट लॉस में, डेप्रिसिएशन में, क्लोजिंग बैलेंसेस में, उनमें कोई चेंज नहीं आता। दो मेथड से करा, ऑप्शन वन क्या था, व्हेन वी स्प्लिट द एसेट फ्रॉम द बिगिनिंग, व्हेन वी स्प्लिट द एसेट फ्रॉम द बिगिनिंग। ऑप्शन टू क्या है, when we do not split the asset from the beginning। दो ऑप्शन है, एक स्प्लिट करके एक बिना स्प्लिट करे, दोनों इक्वली करेक्ट है, बट रियल लाइफ में ऑप्शन टू के हिसाब से जो मैंने करके दिखाया है वो यूज होता है। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था।